पांच थिंग्स टू लुक फॉर वन परचेसिंग अ न्यू टीवी। टीवी खरीदना इन दिनों एक कठिन निर्णय हो सकता है। एक टीवी द्वारा पैक की जाने वाली तकनीक की मात्रा के साथ रिजोल्यूशन से लेकर विभिन्न HDR मानकों, ताज़ा दर और ओजस तक आपके लिए सही स्क्रीन आकार का उल्लेख नहीं करने के लिए कई बातों पर विचार करना चाहिए। एक स्मार्टफोन के विपरीत एक टीवी एक गैजेट है जो प्रतिस्थापन की आवश्यकता से पहले लगभग एक दशक तक आपकी सेवा कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए सही टीवी मिले। यदि आप एक नया टीवी खरीदने के लिए बाजार में हैं, तो यहाँ पांच चीजें हैं जिन पर आपको अपना खरीद निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए। स्क्रीन साइज तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज टीवी का स्क्रीन साइज है। यदि आपके पास एक बड़ा कमरा है तो आपको अधिक सिनेमाई अनुभव के लिए बड़े स्क्रीन आकार पर विचार करना चाहिए। हालांकि एक छोटे से कमरे में एक बड़ी स्क्रीन सामग्री की खपत का एक असहज अनुभव हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप टीवी से आरामदायक दूरी पर बैठें। किसी विशेष स्क्रीन आकार के लिए न्यूनतम देखने की दूरी जानने का एक आसान तरीका है टीवी के आकार को 10 से विभाजित करें। तो 55 इंच टीवी के लिए न्यूनतम देखने की दूरी 5.5 फीट है। 65 इंच के लिए यह 6.5 फीट है। 75 इंच के टीवी के लिए न्यूनतम देखने की दूरी 7.5 फीट होनी चाहिए। आपको बहाव मिलता है, करीब कुछ भी एक असहज देखने का अनुभव हो सकता है। याद रखें, यह न्यूनतम देखने की दूरी है। आप हमेशा आगे पीछे जा सकते हैं। रेजोल्यूशन, जब तक आप 32 इंच या 40 से 43 इंच के टीवी को नहीं देख रहे हैं, हम कहते हैं 4K टीवी के लिए जाएं। स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से 4K में ढेर सारी सामग्री उपलब्ध है। कुछ टीवी ब्रांड आपको एक अच्छा कंटेंट खपत अनुभव देने के लिए डिस्प्ले पर 1080p और यहां तक कि 720p कंटेंट को बढ़ाने का उत्कृष्ट काम करते हैं। 1080p छोटे स्क्रीन आकार जैसे 43 इंच या उससे छोटे आकार के लिए एक अच्छा विकल्प है। अभी 8K टीवी में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। न केवल वे बहुत महंगे हैं, बल्कि स्ट्रीमिंग सेवाओं से स्ट्रीम करने के लिए आपके लिए कोई 8K सामग्री नहीं है। जबकि YouTube में कुछ 8K सामग्री है, अपनी पसंदीदा फिल्म को 8K में प्राइम वीडियो के माध्यम से जल्द ही स्ट्रीम करने की अपेक्षा न करें। TLDR 4K के लिए जाएं। यह 8K के लिए बहुत जल्द है। FHD 43 इंच और छोटे स्क्रीन आकार के लिए केवल एक विकल्प है। कनेक्टिविटी, अंतिम लेकिन कम से कम कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। सुनिश्चित करें कि आपके सेट टॉप बॉक्स, गेमिंग कंसोल और अन्य जैसे उपकरणों को जोड़ने के लिए आपके पास टीवी पर कम से कम 3 HDMI पोर्ट हैं। अगर आप अपने टीवी को साउंड बार या होम थिएटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि टीवी HDMI, ARC या ERC पोर्ट के साथ आता है। ARC का मतलब ऑडियो रिटर्न चैनल है और ERC एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल है। कुछ टीवी नए HDMI मानक के साथ आते हैं, जिन्हें HDMI 2.1 कहा जाता है। अगर आप भविष्य में प्रूफ टीवी चाहते हैं, तो इसे देखें। यह अन्य कनेक्टिविटी विकल्पों के साथ भी आता है, जैसे कि ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और कुछ में 3.5 मिमी ऑक्स पोर्ट भी है। टीवी भी USB पोर्ट के साथ आते हैं, जिससे आप पेन ड्राइव से सामग्री का उपभोग कर सकते हैं। वे ब्लूटूथ के लिए समर्थन के साथ भी आते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास एक ईथरनेट पोर्ट के साथ वाईफाई तक पहुंच है।